हेलो दोस्तों, मैं मैत्री स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में, जहाँ हम डोरी और लूप से बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने अपनी बाजू को पहले ही कट करके रखा हुआ है। बाजू की लंबाई रखी है 9.5 इंच, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्यूज़ पेपर की लंबाई और चौड़ाई 6 और 5.5 इंच रखी है। इसको बीचों बीच से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से खुला है ये, तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ थोड़ा सा शेप डाल देंगे। इस शेप के जरिए बहुत ही सुंदर आप डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसको आपको काट देना है बाहर से भी और अंदर वाली साइड से भी। बाहर वाली साइड के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए इसको भी आपको कट कर देना है। अब इसको एक फैब्रिक के ऊपर आपको इस तरह से रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। आधा आधा इंच हमने ये पहले ही एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, तो यहाँ से कट करके आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, और शायद ये अभी तक आपने ना देखा हो तो इसको बिल्कुल नया है। आप इसको ब्लाउज, कुर्ती किसी में भी बना सकते हैं। अब इसको आपको बाजू के बीचों बीच लगाना है। इसके लिए बाजू में यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि सेंटर के लिए ऑटोमेटिकली मार्किंग हो जाए, और इस डिज़ाइन को आप यहाँ पर रख दीजिए। इसके बीचों बीच एक सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में बना रहे। अब हमारे जो अंदर शेप वाली सिलाई है उसको हम डाल देंगे। यहाँ पर जो शेप है दोस्तों काफ़ी मायने रखती है, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर्स में जाते हुए पूरी अच्छे से सिलाई लगाइएगा। अगर आपसे इस तरह की शेप यहाँ नहीं बन रही है तो आप यहाँ पर जो राउंड वाली है, ओवल शेप है, वो वाली भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप इसको आपको अंदर से जो फैब्रिक है उसको काट लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। काट लेने के बाद आपको इसमें छोटे छोटे कट्स भी ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि कट्स लगाने के बाद ही ये हमारा अच्छे से निकल कर के आएगा। तो इस तरह से जो सभी कॉर्नर्स हैं उन पर आप ज़रूर लगाएं। इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए नाखून की मदद से प्रेस करते हुए, और ये हमारा बहुत ही इजीली निकल करके आ जाएगा। बाकी आप इसको प्रेस की मदद से इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। अब एक फैब्रिक लेना है कॉन्ट्रास्ट में, जो भी आपका मैचिंग का लेना हो, और इसके नीचे इसको पिन की मदद से फिक्स कर लीजिए। अब इसमें आपको सिलाई लगानी है, तो जो भी बिल्कुल कॉर्नर से वहाँ से आपको पूरी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। इस तरह से आपका ये बहुत ही सुंदर सा पोर्शन रेडी होगा बाजू के ऊपरी वाले हिस्से का। नीचे वाले हिस्से के लिए हम बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी लगाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर तैयार हो गया है। अब जो नीचे वाली साइड है एक्स्ट्रा है, तो पिंस को पहले रिमूव कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए काफ़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही छोड़ते हुए इस पूरे फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। इस तरह से हमारे ऊपर वाला पोर्शन दोस्तों तैयार हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे वाले पोर्शन के लिए हमने एक पट्टी ली हुई है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी हुई है 3.5 इंच। इसके साथ डिज़ाइन बनाने के लिए डोरी को कट किया हुआ है, और हर डोरी जो है हमने 4 इंच में कट की हुई है। और ये हमारी पट्टियाँ हैं जो हमने बनाई है डिज़ाइन के लिए, लूप के लिए। तो यहाँ हमने इनकी लंबाई रखी है 3 इंच। सबसे पहले हम इस पट्टी को लेंगे और इस पर जो डिज़ाइन है बनाना शुरू करेंगे। ये वाली पट्टी आपको देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। ये थोड़ा सा ट्राइंगल की तरह बीच में से फोल्ड होगी, और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। अब सेम तरीके से दूसरी वाली पट्टी आपको लेनी है, और इसके बिल्कुल सटा करके आपको इसको भी लगा देना है। इसी तरह करके एक एक करके हम इन सभी पट्टियों को लगा लेते हैं। दोस्तों, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होगा। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, एक साइड से हमारी ये पट्टी बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो गई है। अब जो डोरी वाला डिज़ाइन है उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको सभी डोरी को इस तरह से पास कर लेना है, इससे यह डिज़ाइन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
देखिए इस तरह से एक एक करके इन सभी में से इनको आपको पास कर लेना है। हमने इनको कर लिया है, अब देखिए कितना आसान है इनको बनाना। आगे अब एक डोरी को लेंगे और इस तरह से मोड़ दीजिए और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये डिज़ाइन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप अपनी कुर्ती के साथ इसको बना रहे हैं बाजू पर, तो अपनी जो प्लाजो या फिर आपके गले के ऊपर भी आप सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे आपकी कुर्ती और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अगर ब्लाउज़ के लिए बाजूबंद टाइप डिज़ाइन बनाना चाहें तो ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा देखिए पूरा ये नीचे वाला बंद तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे वाले हिस्से में ये एक 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच की चौड़ाई वाली एक पट्टी हमने लगा दी है और इसको अच्छे से आपको अटैच कर देना है। अटैच हो जाने के बाद सिंपली जैसे हर डिज़ाइन में हम करते हैं, इसको अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है और एक पाइपिंग, जो मोटी वाली पाइपिंग है, वह निकल करके आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग दिखे। अब देखिए नीचे वाला पैटर्न बिल्कुल बन करके रेडी है। अब इसको अपने स्लीव्स के साथ आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से अपने पैटर्न को रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस, अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेकर आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करिए। लाइक करेंगे तभी ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा और भी बहुत सारे लोग इसके डिज़ाइन को सीख पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। अब एक सिलाई हम यहाँ से लगा देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हो। और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही कम खर्चे में इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ जो हमारा फैब्रिक है उसी से हमने इसको तैयार कर लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में कुछ ज़रूर लिख कर जाएं ताकि हम आपसे जुड़ सकें, हमें पता चल सके आपका कितना सपोर्ट है हमारे साथ। तो देखिए इस तरह से बन करके तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा लीजिए।